नमस्कार दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पर एक मैसेज बहुत वायरल हो रहा है कि 9 तारीख को भारत बंद। आखिर भारत बंद किसने बुलाया? बहुत अलग अलग इसमें फोटोग्राफ्स आ रही हैं, बहुत अलग अलग इसमें डीपी आ रही हैं, कहीं दलित की आ रही है, कहीं सवर्णों की आ रही है, कहीं ओबीसी की आ रही है। समझना बहुत मुश्किल है कि आखिर भारत बंद किसने बुलाया। हमने थोड़ी इसकी पड़ताल करी और जो पड़ताल करी वो ये आपके सामने है। ये वन इंडिया की न्यूज है जिसमें कि स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है दलित टू कंटिन्यू विद देयर प्लान ऑफ भारत बंद ऑन अगस्त 9, यानी कि जो भारत बंद है वो दलित द्वारा बुलाया गया, दलित संगठनों द्वारा बुलाया गया। ये बात यहाँ बहुत स्पष्ट हो जाती है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज को देखते हैं। भारत बंद बाय दलित ग्रुप्स ऑन अगस्त 9 शुड बी कॉल्ड ऑफ। यहाँ LJP यानी रामविलास पासवान की पार्टी ये कह रही है कि क्योंकि आपकी मांग मान ली गई है इसलिए भारत बंद नहीं करना चाहिए, दलित संगठनों से मांग कर रही है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स में कहते हैं मराठा कोटा प्रोटेस्टर्स टू गो अहेड विद महाराष्ट्र बंद टुमोरो। यानी इकोनॉमिक टाइम्स के हवाले से जो खबर आ रही है उसमें ये खबर आ रही है कि मराठाओं ने 9 तारीख का भारत बंद बुलाया। जिस भारत बंद को दलितों ने बुलाया था अब उसमें मराठा भी कूद गए। थोड़ा और आगे बढ़ के देखते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज है जो कहती है दलित टू होल्ड प्रोटेस्ट ऑन अगस्त 9 ओवर SC ST एक्ट। यानी दलित संगठनों ने SC ST एक्ट के अगेंस्ट में इस भारत बंद को बुलाया था। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, रेडिफ की न्यूज है एक्स सर्विसमैन टू जॉइन हैंड्स विद दलित फार्मर्स फॉर अगस्त 9 भारत बंद। यानी ये भारत बंद जो है दलित के साथ में अब इसमें एक्स सर्विसमैन भी कूद गए हैं। यानी वो लोग कूद गए जो वन रैंक वन पेंशन मिलने के बावजूद, जिन्हें 70 साल से मिली नहीं थी लेकिन मोदी सरकार ने दी थी, उसके बावजूद उन्होंने उसका विरोध किया, वो लोग भी इसमें कूद गए। और वो कौन लोग हैं आपके सामने फोटो में आपको दिख रहा है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की न्यूज आती है, कहती है भारत बंद ऑन अगस्त 9 दलित आदिवासी कम्युनिटीज टू प्रोटेस्ट। दलितों के साथ अब इसमें आदिवासी भी आ गए। कौन कौन आ गया? मराठा आ गए, दलित आ गए, आदिवासी आ गए, किसान आ गए और जवान भी आ गए। थोड़ा और आगे चलते हैं, प्रपोज भारत बंद ऑन अगस्त 9 दलित पॉलिटिक्स टारगेट्स जुडिशरी। ANI के हवाले से एक और न्यूज आ रही है, दलित कार्यकर्ता 9 अगस्त को एक बार फिर भारत बंद करेंगे। दलित ग्रुप्स भारत बंद कॉल ऑन अगस्त 9, एक और न्यूज देखिए। और हिंदुस्तान टाइम्स के हवाले से एक खबर आ रही जो कहती है दलित ग्रुप्स प्रपोज भारत बंद ऑन अगस्त 9। यानी कुल मिलाकर ये जो भारत बंद है ये भारत बंद दलितों द्वारा बुलाया गया था ना कि सवर्णों द्वारा, लेकिन इसमें मराठा भी कूद गए। मराठा का भी आपको स्टिकर दिखेगा भारत बंद, इसमें सवर्णों का भी स्टिकर दिखेगा, इसमें ब्राह्मणों का भी स्टिकर दिखेगा, इसमें क्षत्रियों का भी स्टिकर दिखेगा, सारे स्टिकर बार बार देखने को मिल रहे हैं। इसमें जवानों का भी स्टिकर दिख रहा है और किसानों का भी स्टिकर दिख रहा है कि भारत बंद 9 तारीख को। मैं आपको बताता हूं, असल में ये भारत बंद न जवानों का है, न किसानों का है, न मराठाओं का है, न सवर्णों का है और न ब्राह्मणों का। ये भारत बंद सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी का है जिसका नाम है कांग्रेस। कांग्रेस ने इस बार अपनी पूरी ताकत लगाती है, जो पिछले 2 साल से लगातार एजिटेशन इनके हो रहे थे उन एजिटेशन को एक साथ करके इन्होंने 9 तारीख को भारत बंद, ये इनकी इन प्रकार भारत बंद सफल हो जाए इसकी इन्होंने जुगाड़ करी। हमें इस भारत बंद को किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने देना और हर प्रकार से हम इस भारत बंद का विरोध करेंगे। मैं तो अपना ऑफिस खोलूंगा, आप सबसे भी ये उम्मीद करता हूँ, ये गुजारिश करता हूँ, आप सब 9 तारीख को भारत बंद के दिन अपनी दुकानें, अपने प्रतिष्ठान, अपने ऑफिस जरूर खोलिए और इनको मुंह तोड़ जवाब दीजिए ताकि इन्हें पता चल जाए इनकी चालाकी जनता के सामने उजागर हो चुकी है। एक और चीज है, 9 तारीख ही क्यों, तो जरा इस न्यूज को देखिए, ये विकिपीडिया की न्यूज है, विकिपीडिया से मैंने लिया है। 9 तारीख को वर्ल्ड इंडिजिनियस डे होता है, यानी जो मूल निवासी, जो वहां के रहने वाले मूल रूप से रहने वाले लोग हैं उनका दिन है। तो कुल मिलाकर किसानों को, जवानों को और आदिवासियों को इकट्ठा करके, भारत बंद करके, हिंसा करके पूरे विश्व में एक मैसेज दिया जा रहा है कि मोदी सरकार फेल है, भारत में बहुत कुछ गलत हो रहा है, मोदी सरकार को हटा देना चाहिए। ये एक मैसेज देने का प्रयास किया जा रहा है ताकि पूरे विश्व में हल्ला हो, पूरे विश्व में भारत की बदनामी हो और तमाम न्यूज में बार बार यही फ्लैश हो कि नरेंद्र मोदी जी के राज में देश के अंदर बहुत अस्थिरता आ गई, देश के अंदर बहुत लोगों के प्रति गुस्सा है। दोस्तों आपको थोड़ा सजग रहना, ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया था कि आप लोग सजग रहें, औरों को भी सजग कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आगे और भी वीडियो आप देखना चाहते हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि भविष्य में कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो सबसे पहले वो आपके पास पहुंचे। मुझसे आप फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं, नितिन शुक्ला मेरा पेज है जिसे कि आप लाइक कर सकते हैं और सी फर्स्ट कर लीजिएगा और
लाइव नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा। ट्विटर पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं, ट्विटर पर मेरा हैंडल है @nshuklai। आप सबने अपना कीमती समय निकालकर मेरा ये वीडियो देखा, मुझे सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया मित्रों।